शराब पीने से लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। सैकड़ों की संख्या में लोग अभी भी अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन लगातार छापेमारी कर रहा है, लेकिन कई ऐसे इलाके भी देखने को मिले जहां पर पुलिस चौकियों पर ताला लटका मिला। बिल्कुल, यहाँ देख सकते हैं आप किस तरह से पूरा अवैध शराब की मंडी चलती है। इस समय हम राजधानी लखनऊ के सीमावर्ती इलाकों में है। यहाँ देख सकते हैं तीन सरहदें लगती हैं, रायबरेली, लखनऊ और उन्नाव की। इस समय उन्नाव की सरहद पे है और यहाँ देख सकते हैं किस तरह से पूरी मंडी लगती है। पूरा कच्ची अवैध शराब का कारोबार होता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं बोतलें हैं, तमाम पन्नियों में शराबें हैं और यहाँ पर आपसे थोड़ी देर पहले देख सकते थे किस तरह से लोग यहाँ पर पीते हुए भी नजर आ रहे थे। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से अवैध शराब का पूरा कारोबार चल रहा था और हम लोगों को, मीडिया को देखकर लोग यहाँ से भागते हुए नजर आए। देखने वाली बात है कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में अगर हम कहें तो दर्जनों की संख्या में लोगों ने जाने गंवाई हैं इसी कच्ची अवैध शराब के चलते। वहीं यहाँ पर अगर राजधानी लखनऊ की सीमावर्ती इलाकों में हम बात करें तो इस तरह से अवैध कारोबार चल रहा है, इस पर पुलिस कोई अंकुश नहीं लगा पाती है। भले ही क्यों ना तो स्पेशल फोर्स बनाई गई, स्पेशल टीमें बनाई गई हैं, लेकिन अभी भी ये अवैध कच्ची शराब का कारोबार रुकता हुआ नहीं दिखाई देता है। अब देखने वाली बात है कि आखिर किस तरह से और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। ये राजधानी लखनऊ का सीमावर्ती इलाका है। यहाँ पर तीन जिलों की सरहदें हैं, लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव, तीन जिलों की सरहदें हैं, जिसके चलते यहाँ पर जो अवैध शराब का कारोबार है वो बहुत ही धड़ल्ले से चलता है। हालांकि इसको लेकर के हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर पुलिस सहायता केंद्र भी बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस सहायता केंद्र है जो बचनावा सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, भौरेश्वर मंदिर का है। यहाँ पर एक ऐतिहासिक मंदिर भी है, हमारे पीछे देख सकते हैं एक मंदिर भी बना है जिसमें वही पास में ही पुलिस सहायता केंद्र भी बना है, लेकिन यहाँ पर कोई भी पुलिस नहीं रहती है, सब नदारद रहते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये जो शराब माफिया है इनका कारोबार धड़ल्ले से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर किसी का भी अंकुश नहीं है, ना ही जोर है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला।